थर्ड हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस एंड इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज नो लेस देन इम्पॉर्टेंट. थर्ड हाउस डिटरमाइंस द पेस ऑफ लाइफ, द फोकस यू हैव इन योर लाइफ. हमने फर्स्ट हाउस में अपनी बॉडी को देखा था, सेकेंड हाउस में अवेलेबिलिटी को देखा था, हम क्या देख पा रहे हैं. थर्ड हाउस इज कंट्रोल ओवर वॉट एवर यू हैव. थर्ड हाउस इज फोकस. थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स द कैटेगराइजेशन, द अरेंजमेंट. थर्ड हाउस इज वॉट ब्रेन टेक्स कंट्रोल ओवर योर परसेप्शन. जो भी इनपुट्स आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, द ब्रेन अरेंजेस इट फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू गो ऑन फॉर शॉपिंग, यू विल बाई ओनली दोज थिंग्स विच विल सूट योर बजट. सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट्स योर बजट, आपके पास कितना पैसा है. एंड थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स आप क्या खरीद सकते हो, द कैपेसिटी टू बाई, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क. सो थर्ड हाउस को डिफरेंट आस्पेक्ट्स के थ्रू समझा जा सकता है, बिकॉज परसेप्शन हमने फाइव सेंसेस देखे थे, फिर हमने इमोशंस देखे थे. इन सब के इंटरप्ले को इन अ मोमेंट हम थर्ड हाउस से समझते हैं. सो थर्ड हाउस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि आप एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे कैसे चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हो, किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो अपने लाइफ में. सो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स फोकस. व्हाई? बिकॉज जब भी हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा जिनमें वो इंटरेस्टेड हो. दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट्स योर इंटरेस्ट एज वेल, यू बीइंग फोकस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. अब इस बात को और अच्छे से अगर समझे, तो जब आप बाहर निकलते हो, घर के बाहर जब आप निकलते हो, तो आंखें बहुत सी चीज़ें देख सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी आंखों को अवेलेबल होती है, बट वो सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं फोकस कर पाते. इसको और अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आपको याद होगा अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि मछली की आंख भेदो, या फिर जब फर्स्ट टाइम उनको धनुष दिया गया था तो उनसे पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है. ये उनका फोकस था. फोकस डिटरमाइन करता है कि हाउ मच कैपेसिटी यू हैव इन योर लाइफ, व्हाट योर इंटरेस्ट्स आर. ये थर्ड हाउस से देखा जाता है. इंटरेस्ट के लिए हम राहु को भी देखते हैं, बट थर्ड हाउस इज मोर ऑफ अ कंट्रोल, कि आपका आपके इंटरेस्ट पे कंट्रोल कितना है, सेंसेस पे क्या कंट्रोल है. आपको सपोज आपको मिठाई खाने का मन है, सेकंड हाउस में आपको 40 मार्क्स मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में, और थर्ड हाउस में 18 पॉइंट्स मिले हैं. तो जब आपका मिठाई खाने का मन करेगा, आप तुरंत दौड़े चले जाओगे मिठाई के लिए, आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि मुझे पैसे बचा के रखने आगे के लिए, आप इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे. अगर थर्ड हाउस में 40 मार्क्स हैं और सेकंड में 18 मार्क्स हैं, तो वो जो आपके पास है, जो पैसा आपके पास पड़ा है, उससे आप मिठाई नहीं खरीदोगे, आप मिठाई का दुकान बना दोगे कि आगे मेरे को जब भी मिठाई खाने का मन करेगा मैं सीधे सीधे जाऊँगा मिठाई खा लूँगा. थर्ड और सेकेंड हाउस में ये डिफरेंस आ जाता है. ये अष्टक वर्ग के पॉइंट्स के हिसाब से मैंने बताया आपको. थर्ड हाउस आपके फोकस के बाद उस फोकस पे रिएक्ट करने को भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप सुबह उठते हो, आपको चीज़ें दिखती हैं, और आपको फर्स्ट थिंग यू डू इज़ ईदर यू रीच आउट फॉर योर फ़ोन, आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हो, या फिर अगर आपको प्यास लगी है तो उठ के पानी पीने जाते हो, या फिर अगर नेचर्स कॉल आया तो उसको अटेंड करने जाते हो, या फिर अगर कोई बुला रहा है तो यू पे अटेंशन टू दैट साउंड. सो रिएक्शन, आप रिएक्ट कैसे करते हो, आपका बिहेवियर क्या है आपके सराउंडिंग में, ये बताता है आपका थर्ड हाउस.
आप अपने सराउंडिंग से कैसे रिएक्ट करते हो. सपोज यू हैव लेस मार्क्स इन अष्टक वर्ग इन थर्ड हाउस, आप इमीडिएटली रिएक्ट कर दोगे. एंड सपोज यू हैव 30 मार्क्स इज ग्रेट, तो आप जल्दी रिएक्ट ही नहीं करोगे, आप बिल्कुल ही फोकस्ड रहोगे. आप तब तक अपने काम को करोगे जब तक आप अपने फोकस को मेंटेन रख सकते हो. सो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थर्ड हाउस इज योर फोकस. सब अब हम फर्स्ट एस्पेक्ट के बाद सेकंड एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, प्रायोरिटाइजेशन. सपोज आपके सामने चार प्लेट रखा हुआ है, चारों प्लेट में डिफरेंट डिशेज रखे हुए हैं, आप चारों एक साथ नहीं खा सकते. आप उन्हीं चीज़ों को खाओगे जिन चीज़ों को आपको पसंद है. जब आप YouTube खोलते हो तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं. ये यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस आपका सेकेंड हाउस डिनोट करते हैं, व्हाट इज़ अवेलेबल टू यू. लेकिन इन वीडियोस में आप कौन सी वीडियो प्ले करते हो, द चॉइसेस यू हैव विथ यू इज थर्ड हाउस. फोकस यू हैव इज़ योर थर्ड हाउस. आप प्रायोरिटाइज करते हो, पहले मैं ये देखूँगा फिर वो देखूँगा फिर वो, ये तीन चार जो अरेंजमेंट आप दिमाग में लगा लेते हो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन. और ये थर्ड हाउस से देखा जाता है. सो थर्ड हाउस इज़ योर फोकस, योर चॉइसेस, योर अरेंजमेंट, द इन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. चार लोगों की जब बात आप सुनते हो तो आप एक साथ चारों की बातें नहीं सुन सकते तब तक जब तक आप एक जगह फोकस ना करो. सो फोकस इज थर्ड हाउस. अब थर्ड हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है प्लेयर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए. किसी बॉल को कोई आदमी कैसे हिट करेगा, कितने डेडिकेशन से हिट करेगा, कितने फोर्स से हिट करेगा, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है. आप सचिन के थर्ड हाउस को एनालाइज करके देखो और आप अलेक्जेंडर के थर्ड हाउस को एनालाइज करके देखो. अलेक्जेंडर के थर्ड हाउस में 41 पॉइंट्स थे अष्टक वर्ग में, एंड ही वॉज मेंट टू रूल. थर्ड हाउस इज़ द कमांड यू गिव आउट ऑफ योर माउथ. रिमेंबर सेकेंड हाउस आप जो भी कंज्यूम करते हो, थर्ड हाउस इज़ द इमीडिएट रिएक्शन. आप जब किसी से कोई चीज़ पूछते हो, वेन यू आस्क समवन, ऑल द रिपोर्टर्स यू सी, जॉब ऑफ रिपोर्टर्स कैन बी सीन थ्रू थर्ड हाउस. वो जब मैं प्रोफेशन कवर करूँगा तब मैं बता दूंगा. बट थर्ड हाउस में आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो उस क्वेश्चन का जो वैल्यू है, आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्वालिटी है, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है. थर्ड हाउस की राशि बताएगी कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड रहते हो, क्या इंटरेस्ट रहता है आपका इन जनरल. और थर्ड हाउस और बताता है कि आप जैसे कपड़ा है, आपके पास महंगे से महंगे कपड़े होंगे और सस्ते से सस्ते कपड़े होंगे, लेकिन उनमें से पहनोगे क्या आप, इस चॉइस को थर्ड हाउस बताता है. ऑल द रिसोर्सेज वी हैव इज़ सेकेंड हाउस. जो मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, बट उन बैंक बैलेंस में से कितना पैसा आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आप खरीदने जा रहे हो, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है. और थर्ड हाउस हमारे दिमाग में फर्स्ट थिंग होता है जो कैटेगराइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, फोकस, इन सब को मेंटेन करता है. सो, इसको और अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्स, मेकिंग अ टाइम टेबल. टाइम टेबल जो बनाते हैं लोग, जैसे कि किसी भी इवेंट को मैनेज करने के लिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है, उसको भी थर्ड हाउस से देखा जाता है. इफ़ यू हैव अ सैटर्न इन थर्ड हाउस, तो फिर उसके बाद आप राशि देखो, राशि बताएगी कि आप क्या काम करने वाले हो. बट थर्ड हाउस विल बी अरेंजमेंट, आप अरेंजमेंट करोगे और राशि बताएगी फिर कि वो कहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हो आप. तो अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो सीन फ्रॉम थर्ड हाउस. सेलेक्शन, मेकिंग ऑप्शंस, कीपिंग ऑप्शंस. अगर आपका राहु थर्ड हाउस में पॉजिटिव है तो यू आर ओरिएंटेड टू कीप ऑप्शंस. आपको हर चीज़ में ऑप्शंस चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल खाना है तो खाने में चार ऑप्शंस चाहिए आपको. यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट ऑप्शंस, कि कहीं एक जगह से काम नहीं बना तो दूसरे जगह. आप रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो. इफ राहु इज़ प्रेजेंट इन थर्ड हाउस, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ पर रिएक्ट कर देते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, फोकस मेंटेन नहीं रह पाता है. थर्ड हाउस में राहु का ऑब्सेशन क्रिएट करता है ऑप्शन से लेके. इसका ये मतलब नहीं है कि आप फोकस्ड नहीं रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे, बट आप अपने ऑप्शंस को
एक्सपैंड करने का कोशिश करोगे, सेलेक्शनिज्म आ जाएगा आपके अंदर, प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप किसी भी चीज़ में डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा करोगे, लाइकनेस डिसलाइकनेस बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग द थर्ड हाउस, आई होप कि थर्ड हाउस इससे ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, बट ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये इनवर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको इनवर्ड्स बताई, मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्स हर जगह ग्रेविटी एग्जर्ट करता है, हर जगह फोर्स एग्जर्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो थर्ड हाउस से देखा जाता है कि आप कैसा कपड़ा पहनोगे, थर्ड सेकेंड से देखा जाता है आपके पास कैसा कपड़ा है, बट थर्ड हाउस से देखा जाता है आप कैसा कपड़ा पहनोगे, कौन सी चीज़ें चूज़ करोगे, अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप कहाँ घूमने जाओगे, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस इज ऑप्शंस, आपके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये थर्ड हाउस के स्ट्रेंथ से देखा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस का मतलब होता है आपके ऑप्शंस लिमिटेड होते हो और आप अपने ऑप्शंस को लेके डेडिकेटेड होते हो। सो जैसे आपके पास एक बुक शेल्फ है, उसमें 500 बुक्स हैं, लेकिन उस 500 बुक्स में से आप कोई एक ही पढ़ सकते हो एक बार में, तो उस सिलेक्शन को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जब सैटर्न थर्ड हाउस में ट्रांजिट करता है तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, एक टाइम टेबल फॉर्म करोगे और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करोगे। सो टाइम टेबल का जो फॉर्मेशन है इसको थर्ड हाउस से देखते हैं। जो भी अब थर्ड हाउस को हम अगर इन रिलेशन टू सराउंडिंग समझें, तो सपोज़ हम चूज़ करते हैं किसी बाइक को ख़रीदने के लिए, तो उस बाइक को ख़रीदने के लिए हमें जाना पड़ता है उठ के, तो हमारी बॉडी के मोशन को, हमारा बॉडी जो मूव कर रहा है इस मोशन को भी थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे जो हाथ और पैर होते हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, पैरों को लोग बोलते हैं 11th और 12th हाउस, वो पार्ट्स ऑफ द लेग्स होते हैं, वो इन टोटल लेग या फिर हैंड नहीं होता है। थर्ड हाउस लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, हम लोकोमोशन, हम एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं इसको थर्ड हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस इज़ आवर डिज़ायर, हम अब अगर हमें भूख लगा तो कोई हमें ला के नहीं खिलाता, हमें जाना पड़ता है। अगर थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है और सेकेंड हाउस स्ट्रॉन्ग है तो खाना आपके पास चल के आ जाता है। भिखारियों के साथ यही होता है, उनका थर्ड हाउस जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। आपने एक फेमस कोट सुना होगा, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, बेगर्स कैन नॉट चूज़। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है थर्ड हाउस, कि आप अपने डिस्क्रिशन को अप्लाई कर सको। अगर थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है और नाइन्थ हाउस वीक है, तो आप अपने डिस्क्रिशन को, ऑप्शंस को दूसरों पे इम्पोज करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहोगे। वाई? बिकॉज नाइन्थ हाउस इज़ थर्ड फ्रॉम सेवन्थ। ये क्रोनोलॉजी रिलेटिव है, आप अगर पहले वीडियोस देखे होगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। सो थर्ड हाउस इन सब चीज़ों को इन रिलेशन समझा जाता है, लोकोमोशन को समझा जाता है। हम जब अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बिना इंटेंशन के मूव नहीं करते हैं। हाँ, अगर थर्ड हाउस में राहु पड़ जाए, जो कि अगर मून के साथ पड़ जाए, तो आप बेमतलब का इधर उधर भटकोगे, बेमतलब की चीज़ों को, बेमतलब के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करोगे, जो नहीं खाना है, जो नहीं पहनना है, उनको भी आप चूज़ करने लग जाओगे। और अगर थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा तो आप इस बात में बहुत जल्दी डिफरेंशिएट कर लोगे कि क्या ऑप्शंस चाहिए, क्या चॉइसेस रखने हैं मुझे और कौन से चॉइसेस नहीं रखने हैं। सैटर्न जैसे ही थर्ड हाउस में आएगा, थर्ड हाउस को मैच्योर करेगा। और थर्ड हाउस जो होता है, सैटर्न, हर प्लैनेट अपने स्पीड से मूव करता है। जब तक सैटर्न किसी हाउस में नहीं आता है, उस हाउस का अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है, उस हाउस में मैच्योरिटी नहीं आती है। आपकी बॉडी में भी तभी मैच्योरिटी आएगी जब सैटर्न उस पर ट्रांजिट करेगा। ऐसे ही जब सैटर्न आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा, यू विल बिकम लेस चूजी, लेस ऑप्शन ओरिएंटेड। आपके पास जितने कम ऑप्शंस हों उतना बढ़िया है। आपके ऑप्शंस को आप बहुत क्रिटिकली एक्सरसाइज करोगे। सो हमने लोकोमोशन देखा था। अब सपोज़ कोई बॉलर है जो बॉलिंग डालता है, युवराज सिंह का थर्ड हाउस बहुत अच्छा है,
आप जितने भी बॉलर्स हैं, मैंने बहुतों की कुंडली उठा के देखी है, बिकॉज दे थ्रो द बॉल, दे रिएक्ट टू द सराउंडिंग्स. सदगुरु की कुंडली उठा के देखो, सेकेंड एंड थर्ड हाउस इज मार्वेलस. नरेंद्र मोदी की कुंडली देखो, थर्ड हाउस इज एक्सट्रीमली मार्वेलस. जब वो बोलते हैं तो उनकी स्पीच में जो वैल्यू होता है वो थर्ड हाउस की वजह से होता है. थर्ड हाउस उनका बहुत स्ट्रांग है अष्टक वर्ग में. सो अष्टक वर्ग में जब आएगा तो मैं आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा उसमें, बट अभी थर्ड हाउस को समझने की बात है कि थर्ड हाउस को प्लैनेट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. सो राशि, प्लैनेट्स और सारे प्लैनेट्स के मोशन, हर प्लैनेट एक सर्टेन वे में मूव करता है एक सर्टेन हाउस पे. ये भी आपको कोई नहीं बताएगा कि एक जो प्लैनेट है वो एक सिंगल तरीके से किसी हाउस को अफेक्ट करता है और उसके इफेक्ट्स चेंज होते हैं एज इट मूव्स. सो थर्ड हाउस में हम बॉल की डिलीवरी भी देखते हैं, स्पीच की डिलीवरी देखते हैं. जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं वो उनका थर्ड हाउस बहुत पावरफुल होता है. थर्ड हाउस आपको, अब आप बोलोगे कि टीचर्स भी तो होते हैं, टीचर्स भी तो पढ़ाते हैं, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं उनको भी तो थर्ड हाउस. नहीं, थर्ड हाउस इज़ मोर ऑफ एन ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग. सामने वाला आपको ऑर्डर देता है, सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है. नाइन्थ हाउस इज़ अबाउट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. हर आदमी क्वेश्चन आंसर करता है. थर्ड हाउस इज़ क्वेश्चनिंग, नाइन्थ हाउस इज़ आंसरिंग. जब आप नाइन्थ हाउस को एनालाइज करो तो नाइन्थ हाउस सेवेंथ से थर्ड होता है. सेवेंथ से थर्ड होने का मतलब है सामने वाला क्या पूछ रहा है, और फर्स्ट से नाइन्थ होने का मतलब है नाइन्थ हाउस का कि आप क्या आंसर दे रहे हो. तो टीचर जो होता है ना वो आंसर देता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछता है. जो टीचर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में है. सदगुरु टीच नहीं करते, ही नेवर टीचेज यू, ही आस्क्स यू क्वेश्चन. नरेंद्र मोदी, ही नेवर टीचेज यू, ही आस्क्स यू क्वेश्चन. आपने उनकी स्पीच अगर देखी हो तो उनका स्पीच क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है. एंड उनका, इन दोनों का थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है. अलेक्जेंडर द ग्रेट हम बोलते हैं, उसका भी थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. सो थर्ड हाउस के स्ट्रांग होने के वजह से ये सारी रिजल्ट्स होते हैं. थर्ड हाउस होता है आपके सेंसेस पे आपका कैसा कंट्रोल है. अगर थर्ड हाउस स्ट्रांग है आपका तो आपको नशे जल्दी अफेक्ट नहीं करेंगे. आप कोई भी मटेरियल कंज्यूम करो, आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करो, आपको जल्दी नशे नहीं होंगे. बट इफ़ इट इज़ वीक, आप कोई भी खाना खाओ उसकी जो रिएक्शंस हैं वो तुरंत दिखने लग जाएंगे. सो पीपल विथ लेस पॉइंट्स, जैसे 18 पॉइंट्स हैं आपके थर्ड हाउस में, आप इंटॉक्सिकेंट से दूर रहो. लेकिन वहीं अगर किसी का 35 मार्क्स है सेकेंड हाउस में, वो कितना भी इंटॉक्सिकेंट ले ले उसकी बॉडी पे इफेक्ट जल्दी नहीं पड़ेगा. ये मैं कितनों की कुंडली में देख चुका हूँ, कितनी ही कुंडलियाँ मैंने उठा के देखी है कि थर्ड हाउस इज कंट्रोल ओवर योर सेंसेस. आप अपने सेंसेस पे कैसा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो. सो थर्ड हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दिस वे. थर्ड हाउस इज ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन. आप कैसे कैसे क्वेश्चन, जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं आज के डेट में, आप रिपोर्टर्स को थर्ड हाउस से देख सकते हो. उनका जॉब होता है पूछना. आप जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं जो आपको कॉल करके डायरेक्टली पूछते हैं, कि जितने भी इंश्योरेंस वाले होते हैं कॉल करके आपको बोलते हैं इंश्योरेंस ले लो, ये सब थर्ड हाउस से. जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जो आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ये सारे के सारे थर्ड हाउस से देखे जाते हैं. जो भी कम्युनिकेटिव पावर होता है, द एसेंस ऑफ पावर लाइज इन थर्ड हाउस. एक जो सेनापति होता है, जो कमांडेंट होता है, उसके ऑर्डर्स को जो फॉलो करते हैं लोग, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है. आर्मी जनरल को थर्ड हाउस से देखते हैं. जितने भी आप डायरेक्शन लेने वाले लोग हों, थर्ड हाउस इज़ डायरेक्शन एज वेल. जब थर्ड हाउस में राहु होता है तो आप मिसडायरेक्टेड होते हो या फिर मल्टी डायरेक्टेड होते हो अगर चंद्रमा के साथ है. लेकिन अगर सिंगुलैरिटी में बैठा है राहु, तो आप अपने चॉइसेस या फिर अपने डायरेक्शन को लेके काफ़ी ऑब्सेसिव हो जाते हो. राहु जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसके पावर्स को मैं क्लियर करूँगा कि कैसे वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस राशि से, प्लैनेट से क्लैरिफाइड होता है. एंड दिस इज़ थर्ड हाउस इन टोटल.
कि आप अपने सेंसेस पे जो कंट्रोल एग्जर्ट करते हो वो कैसा है, और आपके सेंसेस आपको गाइड कहाँ तक कर रहे हैं, आप लोकोमोशन कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बॉल कैसे डाल रहे हो। अब यहाँ पे लोग मेरे को बोलेंगे कि राइटर्स देखे जाते हैं थर्ड हाउस से बिकॉज दे राइट, राइट। सो नहीं, राइटर्स जो होते हैं वो नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं बिकॉज दे आर राइट, दे आर गिविंग आउट वॉट एवर दे ऑलरेडी है। हमने नाइन्थ हाउस को समझा था कि वो डिस्चार्ज होता है वॉट एवर यू हैव इनसाइड योर बॉडी। तो वेन एवर यू हैव एन आइडिया एंड यू फॉर्मुलेट इट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, जब आप उसको पेपर पर लिखते हो, दैट इज रिप्रजेंटेड बाई नाइन्थ हाउस। लेकिन आप जब सिग्नेचर मारते हो अपना, तो वो जो सिग्नेचर होता है ना वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो राइटिंग्स के भी आस्पेक्ट होते हैं, डिलीवरी की आस्पेक्ट होती है। जितने भी डिलीवरी बॉयज़ आप देखते हो, ये डिलीवरी बॉयज़ आपको थर्ड हाउस से देखने को मिल जाएंगे। थर्ड हाउस आपको लोग बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ये सही है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इसलिए होता है बिकॉज आप इमीडिएट, अगर आपको कोई चीज़ आप होल्ड करते हो अपने दिमाग में, जैसे आपको भूख लगी तो खाना खाने के लिए जाओगे, कोई किसी ने पार्टी में फंक्शन में बुला लिया तो आप जाते हो, तो ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। लेकिन नाइन्थ हाउस लोग बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ये थोड़ा गलत है, इसमें मैं अग्री नहीं करता। वो मैं जब एनालाइज करूँगा थर्ड नाइन्थ और वैसे वीडियोज़ डालूंगा तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट थर्ड हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। थर्ड हाउस देखने से पता चलता है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो जितनी बातें मैंने थर्ड हाउस में आपको मेंशन की हैं, ये इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स इन योर सराउंडिंग में मैनिफेस्ट करती है। आप अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट कैसे करते हो, आप अपने सराउंडिंग से इमीडिएट इंटरैक्ट करते हो, आपके कितने ऑप्शंस हैं, आपके पास क्या क्या है, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। सो विद दिस आई वुड like to thank you all and tune in, subscribe.